इंडिया में 10 साल से लगातार अमेरिका खिताब अपने नाम करने वाले मुकेश अंबानी तो वहीं दूसरी तरफ हैं दुनिया के आठवें सबसे रईस परिवार के हेड यूएई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इन दोनों में से किसी की आमदनी है दिन की 164 करोड़, तो वहीं दूसरा उड़ाता है 200 करोड़। एक ने अपने देश के लोगों को दी है 3 लाख कमरे की सौगात, तो वहीं जेड प्लस सिक्योरिटी के चलते अंबानी को हाथ लगाने की किसी की नहीं है औकात। इसी तरह से आज के इस मैच में होंगे कई अलग अलग राउंड्स, जिसमें हम इनके पावर और पैसे से लेकर उनकी सिक्योरिटी तक सब कुछ करेंगे कंपेयर और देखेंगे इनमें से बेस्ट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मुकाबला इन और टुडेज वीडियो टाइटल मुकेश अंबानी वर्सेज दुबई शेख। राउंड नंबर 1 आमदनी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी की, जिनकी एक दिन की कमाई पूरे 164 करोड़ है। जरा सोचो पूरे साल की इनकी कमाई कितनी होगी। वेल अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही बता देता हूँ, ये आंकड़ा है पूरे 7,18,000 करोड़ का, जिसमें आराम से अंबानी खानदान की 100 पुश्तें घर बैठे खा सकती हैं। लेकिन वहीं हम शेख की आमदनी की बात करें तो फोर्ब्स के हिसाब से शेख की ईयरली अर्निंग है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए। इसके साथ ही उनके पास कुछ 25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद इस मुकाबले के पहले राउंड के विजेता हमारे मोटा भाई हैं। पर रुको जरा, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। एक्चुअली शेख कभी अपनी इनकम रिवील नहीं करते, इसीलिए ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि कमाई के मामले में किसके यहाँ होती है लक्ष्मी की बरसात, जिस वजह से हम इस राउंड को ही कर देते हैं ड्रॉ। राउंड नंबर 2 बिजनेस या इनकम सोर्सेज। खिलाड़ी नंबर 1 शेख की आमदनी में सबसे बड़ा हाथ है बुर्ज खलीफा का, जो 10,000 लोगों को सहारा देने के साथ साथ शेख की जेब भी भरता है। कैलकुलेट किए जाने पर ये आंकड़ा पहुंचता है लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए तक। किंतु ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि शेख साहब की आमदनी में अभी 2 कंपनी दुबई होल्डिंग्स और दुबई वर्ल्ड का जिक्र हुआ ही नहीं है, जहां से पोर्ट ऑपरेटर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रियल एस्टेट और टेली कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं दुनिया भर में पहुँचती है, जिससे शेख को तकरीबन 47 करोड़ 50 लाख का फायदा हर साल होता है। लेकिन भूलना मत, अपना खिलाड़ी नंबर 2 देश का सबसे अमीर व्यापारी यूं ही नहीं कहलाता। हमें फ्री इंटरनेट का लालच देके आज अंबानी सबसे ज्यादा पैसा जियो की वजह से ही कमा रहे हैं, क्योंकि सस्ते में मस्त ऑफर देके जियो हम जैसे यूजर्स की बदौलत हर साल 3,000 करोड़ जितनी बड़ी रकम अंबानी की जेब में डाल रहा है। किंतु रुको जरा, इनके आमदनी का सिर्फ यही सोर्स नहीं है, अपने मोटा भाई के बाकी के पत्ते अभी खुलने बाकी है, क्योंकि अपने मोटा भाई की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन पेट्रोलियम से लेकर इंडियन पेट्रोलियम से आने वाली कमाई ही कुल मिला के 64,000 करोड़ है, जो उन्हें दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12th पोजीशन पर लाकर खड़ा करती है। इतने कंफ्यूजिंग फिगर के साथ ये तय करना तो मुश्किल हो गया है कि कौन कितना कमाता है। लेकिन बिजनेस की बात करें तो यहाँ नॉकआउट हुए हैं मुकेश अंबानी, जिनका बिजनेस शेख जितना दुनिया भर में फैला हुआ नहीं है। इसीलिए आज के मैच का पहला पॉइंट जाता है शेख साहब के खाते में। राउंड नंबर 3 लाइफस्टाइल। यहाँ बात करेंगे पहले शेख की, जो रुतबा और शौक दोनों रईसों वाला रखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी इमारत 1,000 करोड़ की एंटीलिया है, वहीं पे शेख 7,000 करोड़ के महल में रहने वाले इंसान हैं। इन दोनों की लाइफस्टाइल ऐसे तो काफी अलग है, लेकिन जब पैसे उड़ाने की बात आती है तब लग्जूरियस गाड़ियाँ, जेट और यार्ड खरीदने की रेस में दोनों की बराबरी की टक्कर है। इस टक्कर में फैमिली मैन अंबानी ने कुछ यूं स्पीड पकड़ी है कि बीवी और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए उन्होंने $180 मिलियन की प्राइवेट जेट और यार्ड उन्हें गिफ्ट किया है। इतना ही नहीं, इन गिफ्ट्स के अलावा दुनिया की सबसे महंगी कार, 3 हेलीकॉप्टर्स और 4 प्राइवेट जेट के ऊपर भी अंबानी 500 मिलियन से ज्यादा उड़ा चुके हैं। अमीर आदमी हूँ मैं, गंदी चीजें नहीं बनवाता। पर इतने खर्चे के बाद भी ऐशो आराम की रेस में शेख का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, जिन्होंने पहले तो 60 महंगी कार खरीदी और फिर अपना अमीरों वाला शौक पूरा करते हुए उन्होंने उसे 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड में कुछ
ऐसे मॉडिफाई करवाया कि सिर्फ इस मॉडिफिकेशन के पीछे उन्होंने 200 करोड़ पानी की तरह बहा दिए। और जब उनके याट और जेट का हिसाब किया गया तब पता चला कि इन सब पर भी 1500 करोड़ का बिल फट चुका है। तो क्या लगता है इस पैसे उड़ाने की रेस में किसकी गाड़ी फर्स्ट पोजीशन पे आई होगी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। शेख के 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड की कार्स ने नाइट्रो यूज करके ऐसी स्पीड पकड़ी कि अंबानी भैया पीछे छूट गए। और इसीलिए दूसरा पॉइंट भी जाता है शेख के नाम। राउंड नंबर 4, काले चिट्ठे। शेख बने हैं इस राउंड के पहले पार्टिसिपेंट, जिनका साथ निभा रही हैं उनकी 6 बीवियां और 23 बच्चों की टोली। जबकि वहीं इस राउंड में दूसरी तरफ हैं अंबानी, जो बस अपनी एक बीवी और उनसे हुए 3 बच्चों के साथ खुश हैं। लेकिन इनमें से एक पार्टिसिपेंट की बच्ची ने खोला है एक राज, जिसने कर दिया है सबको नाराज। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार शेख ने उनकी ही एक बेटी शेखा लतीफा के अपहरण का आरोप है, जिसे खुद शेखा ने 2018 में सीक्रेटली रिकॉर्ड करके बयान किया था। This villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. और बताया था कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, शेखा ने ये भी बताया कि शेख ने ऐसे और भी कई गुनाह किए, जिसमें बाकी लोगों के अलावा उन्होंने अपने बड़े भाई की पत्नी तक का कत्ल किया है। और शेख साहब के इन्हीं घिनौने राजों को दुनिया के सामने खोलने के बाद शेख लतीफा UAE छोड़कर भागने की तैयारी में थी, तभी शेख ने खुद की बेटी को अगवा करके कैद कर लिया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 3 साल से प्रिंसेस शेखा लापता है। वो कहाँ है, कैसी है, इसकी खबर आज भी किसी को नहीं है। तो हमारे इस मुकाबले में एक तरफ तो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्होंने अपने परिवार को बंदूक की नोक पर रखा है। वहीं दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी, जिनके ऐसे कोई काले चिट्ठे नहीं है, जिस वजह से एक पॉइंट कमाते हुए वो जीत जाते हैं आज के मुकाबले का ये 4th राउंड। और इसके साथ मैच का स्कोर होता है अंबानी 1 शेख 2। राउंड नंबर 5, चैरिटी। इस मैच के अगले राउंड में हम देखेंगे कि खिलाड़ी अंबानी बिना पावर के सिर्फ पैसों के साथ देश के हित में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हम मौजूदा समय की ही बात करेंगे, जिसमें COVID-19 की वजह से लोग बीमारी और भूख से मर रहे हैं, और उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए अपने पैसों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मुकेश अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन ने 5.5 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल, 14,000 नोटिफाइड एम्बुलेंसेस और व्हीकल्स को डोनेट किया है। यही नहीं, जब कश्मीर पे पुलवामा अटैक हुआ था तब शहीद आर्मी ऑफिसर्स के परिवार की बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई और रोजी रोटी की सारी जिम्मेदारी अंबानी ने अपने कंधे पे शायद ये सोचकर उठाई थी कि फैक्ट भाई का तो पता नहीं, लेकिन शायद अच्छाई के मैच में उनकी जीत हो सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे नेक कामों की तरफ, जिसमें उन्होंने जख्मी जानवरों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, जियो के जरिए फ्री इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाते हुए इंडिया के GDP को 5.65 से ऊपर बढ़ाया है। और इसी वजह से अंबानी के नाम पर एक और बोनस पॉइंट आ गया है। अब आते हैं खिलाड़ी शेख पर, जिन्होंने इस राउंड में दुबई से करप्शन को पूरी खत्म करते हुए अपना पहला पॉइंट कमाया है। इसके साथ ही शेख के पास 30 चैरिटी फाउंडेशंस हैं, जो 116 कंट्रीज के 130 मिलियन लोगों के खाने पीने और रहने के लिए मदद करती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी और एक फाउंडेशन जिसका नाम नूर फाउंडेशन है, वो दुनिया भर के लोगों के आंखों का मुफ्त में इलाज करती है। मतलब अगर वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ शेख की साइड का तराजू अंबानी से भारी है। और मल्टीपल बोनस पॉइंट्स के साथ इस राउंड के विजेता होते हैं शेख, जिसके बाद इस राउंड के खत्म होने के साथ स्कोर होता है शेख 3 अंबानी 1। राउंड नंबर 6, सिक्योरिटी। अब बढ़ते हैं मुकाबले के अगले राउंड में, जहां बात होगी दोनों महारथियों की सिक्योरिटी की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं UAE के PM यानी कि शेख की, जिन्होंने खुद अनसेफ होते हुए भी UAE को गल्फ कंट्रीज में दुनिया की दूसरी सेफेस्ट कंट्री बनाया है। मैं जानता हूं, यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे ने अपने घर की बहू बेटियों को नहीं छोड़ा, उसने अपनी कंट्री के क्राइम और सेफ्टी को कैसे बनाया हुआ है। दरअसल इन्होंने अपनी कंट्री में सिक्योरिटी कुछ ऐसी रखी है, कंट्री में इन्होंने 3 लाख से ज्यादा CCTV कैमराज इंस्टॉल किए हैं, जो वहां रहने वाले 99 लाख लोगों पर नजर रखते हैं, और कुछ ऐसे रखते हैं कि वहां के PM भी बिना सिक्योरिटी गार्ड के चलें तो बिंदास रास्ते पे टहल सकते हैं या कुछ इस तरह से अपनी कार ड्राइव कर सकते हैं। वहीं बात अगर हम हमारे दूसरे खिलाड़ी की करें तो उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी VIP सिक्योरिटी यानी कि Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें 10 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी कमांडोज और पुलिस फोर्स उनके एंट्री
पीलिया के नीचे 24 घंटे खड़ी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, मुंबई में रहने वाले मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस तक आती है, जिन्हें अंबानी महीने का 15 से 16 लाख पे करते हैं। तो बताइए, अब क्या लगता है आपको, किसकी सिक्योरिटी ज्यादा दमदार है? मैं ही बता देता हूँ, एक इंसान ऐसा है जिसने सीसीटीवी के दम पर अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है, तो वहीं दूसरा कुछ ऐसा है कि उसके लिए देश की पुलिस दिन रात खड़ी रहती है, जिसकी वजह से इस राउंड का भी पॉइंट जाता है हमारे मोटा भाई उर्फ मुकेश अंबानी को। और इसके साथ मैच का फाइनल स्कोर है मुकेश अंबानी 2 और मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम 3। वैसे तो आज का ये मुकाबला शेख साहब जीत गए, लेकिन वहीं यहाँ बात ये भी है कि जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने आज का ये मुकाबला रखा था वो पूरी नहीं है, क्योंकि शेख ठहरे एक सेफिस देश के पीएम, जिन्हें जाहिर है अपनी इन्फॉर्मेशन भी सेफ रखना आता होगा, और दूसरी तरफ थे हमारे मोटा भाई, जिनकी शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो पब्लिक नहीं होती होगी। तो गिने चुने इन्फॉर्मेशन के आधार पे आयोजित हुआ आज का ये मुकाबला आपको कितना सही और कितना गलत लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर ये मुकाबला आपको मजेदार लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही कई मुकाबले और मजेदार वीडियोस का आनंद उठाते रहने के लिए बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और रोमांचक मुकाबले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।